तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1C का पांचवा क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने 1C का 4 क्वेश्चन तक का ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज हम लोग देखेंगे पांचवा से, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो ये हम लोग अंकगणित पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई भी बीजगणित वाला संख्या माना जा सकता है। तो जैसा कि देखिए दिया, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, उनमें से एक संख्या दे दिया और दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, तो दूसरी संख्या को हम मान लेंगे क्या, यक्ष। तो देखते हैं, माना दूसरी संख्या एक्स है, तो हमको एक संख्या यहाँ दे दिया है और दूसरी पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या को हमने मान लिया कि एक्स है। अब देखते हैं, जैसे ये प्रश्न दिया है उसी को हम मैथ के भाषा में लिख के और उसी को सॉल्व करके ये जो एक्स दूसरी संख्या माने उसका मान निकाल लेंगे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था। तो कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल मतलब दो संख्याओं का जोड़ कह रहा है, -5 दे दिया, उनमें से एक संख्या ये है, तो एक संख्या कह रहा है ये है और दूसरी नहीं दिया था, तो दूसरे को हमने मान लिया यक्ष, मतलब एक संख्या और ये दूसरी संख्या दोनों का योग कह रहा है कितना है -5, तो उसी को हम लिखेंगे कैसे, एक संख्या है -16/7, दूसरी संख्या हमने यक्ष माना, दोनों का योग, योग मतलब जोड़ कह रहा है कितना है -5, मतलब बराबर आएगा कितना -5। अब यहीं से हमने हल करना है, पिछले अभ्यास में देखा था, पिछले बार हमने इसी अभ्यास में पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, जिसका मान निकालना रहता है उसी को बराबर के एक तरफ रहने देते हैं, बाकी संख्याओं को बराबर के दूसरे तरफ भेजते हैं। तो हम ये देखिए, यहाँ पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं, यहाँ प्लस रहता है, प्लस और माइनस का गुणा, -16/7 प्लस एक्स इक्वल -5 है। अब ये एक्स का वैल्यू निकालना, तो हम -16/7 को बराबर के जब उधर भेजेंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स इक्वल ये -5 है, ये -16/7 जब इधर आया तो प्लस में 16/7 हो गया। अब हम लोग इसको परिमेय संख्याओं को हल करना जानते हैं, इसके नीचे एक लिख के लॉसा लेके हल कर लेंगे, एक और सात का लॉसा 7 होता है, एक से 7 में भाग करेंगे 7 बार में जाएगा, 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 35 होगा, यहाँ माइनस है तो -35, ये प्लस 7 से 7 में भाग करेंगे एक बार में जाएगा, एक का 16 में गुणा कर लेंगे तो 16 होगा, यहाँ एक्स इक्वल एक संख्या प्लस एक माइनस में रहता है तो घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले संख्या का लगाते हैं घटाने में, तो बड़ा का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा के 35 में से 16 को घटा लेंगे तो हो जाएगा -19/7। यही x का मान आ गया, हमने दूसरी संख्या x माना था, यहाँ लिख लेंगे, इसलिए दूसरी संख्या बराबर -19/7, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन, सरल कीजिए। तो इसमें एक और दो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो दोनों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं।
तो हमने बताया था कि जब भी परिमेय संख्याएं जोड़ और घटाना में दिए रहे तो उसको लॉसर लेके हल कर देना है, जहां ब्रैकेट है ब्रैकेट को पहले हटा लेंगे। तो देखते हैं, ये प्लस 1/6, यहां जब दो चिन्ह रहता है दोनों का गुणा कर देंगे, प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा 2/5, और यहां माइनस माइनस का गुणा प्लस 2/15। अब क्या करेंगे, नीचे वाले संख्याओं का लॉसर लेते हैं, 6, 5 और 15 का लॉसर लेंगे, तो 6, 5 और 15 का लॉसर हो जाएगा 30। अब क्या करते हैं, नीचे वाले संख्या से इसमें भाग करते हैं, तो 6 से भाग करेंगे 30 में, तो 5 बार में जाएगा, जो आएगा 5 उसका ऊपर वाले में गुणा, तो 5 का 1 में गुणा 5 हो जाएगा, यहां माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 से 30 में भाग करेंगे 6 बार में जाएगा, 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 12, प्लस 15 से 30 में भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहां जोड़ना घटाना है तो जोड़ेंगे घटाएंगे, ये और ये दोनों प्लस में है तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 4 को जोड़ लेंगे तो 9 - 12/30 हो जाएगा। एक संख्या प्लस और एक माइनस में रहता तो हम घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं, इसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस 12 में से 9 जाएगा 3/30। अब या तो ये आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो इसको काट के छोटा भी करके लिख सकते हैं, जैसे 3 × 3, 3 × 30, तो -1/10 भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ये देखते हैं, यहां भी ऐसे ही हल करेंगे, 3/8 लिखेंगे, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 2/3, यहां प्लस और माइनस का गुणा -5/36। अब नीचे वाले संख्या का लॉसर लेंगे 8, 3 और 36 का, तो 8, 3 और 36 का जब लॉसर लेंगे तो हो जाएगा 72, 8 से भाग करेंगे 72 में तो 9 बार में जाएगा, 9 का 3 में गुणा कर देंगे तो 27, प्लस 3 से 72 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 24 बार में जाएगा, 3 से 72 में भाग करेंगे तो 24 आएगा, 24 का 2 में गुणा करेंगे तो 48, माइनस 36 से भाग करेंगे 72 में 2 बार में जाएगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10। दोनों संख्या पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं एक में, तो हो जाएगा 75 माइनस 10/72। एक संख्या प्लस एक माइनस में रहता है तो घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का, तो प्लस रहेगा, 75 में से 10 जाएगा 65/72। तो या तो ये आंसर लिख देंगे, नहीं तो कटने वाला रहेगा तो काट के छोटा भी कर सकते हैं, दोनों सही है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें सत्य और असत्य बताना है, तो ये इसको चेक करेंगे हम, सत्य है कौन और कौन असत्य है, इस चेक करने के लिए रफ पर हम चेक करेंगे, और एग्जाम में हमको केवल सत्य और असत्य ही लिखना होगा, लेकिन रफ पर चेक करके जानेंगे कौन सत्य है कौन असत्य है तभी लिख पाएंगे। तो देखते हैं, दिया 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 आता है, ये सही है कि गलत है, तो उसको देख लेते हैं। कारा 2/5 में से इसको घटाने पर, तो घटाना है किसको, इसको -2/5 को, ये -2/5 दिया है और इसको कह रहा है घटाना है 2/5 में, तो कह रहा है कि घटाने पर शेषफल 0 आता है, तो इसको देखेंगे जब, तो 2/5 माइनस और माइनस प्लस 2/5 हो जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे दोनों संख्या प्लस में है तो हम जानते हैं कि 0 आएगा नहीं, प्लस में है तो दोनों, तो ये 0 का रहा है तो हो जाएगा असत्य।
क्योंकि दोनों संख्या प्लस में है, जोड़ने पर शून्य नहीं आएगा, जबकि यहां का रहा शून्य आता है, तो असत्य हो गया। इसको देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया माइनस दो बटे सात, माइनस तीन बटे सात बराबर माइनस तीन बटे सात माइनस माइनस दो बटे सात। तो हम देखते हैं बराबर देने का मतलब कि इधर और इधर दोनों का बराबर है, तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो यहां ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस, माइनस दो बटे सात माइनस तीन बटे सात होगा बराबर इधर माइनस तीन बटे सात माइनस माइनस का गुणा प्लस दो बटे सात। तो हम देख रहे हैं ये दोनों संख्या वही है, दो बटे सात तीन बटे सात, इधर भी दो बटे सात तीन बटे सात, लेकिन इधर दोनों माइनस में, इधर एक प्लस और एक माइनस में, तो हल करने का जरूरत ही नहीं है। यहीं से पता चल गया कि दोनों तरफ बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों माइनस में, एक माइनस एक प्लस में है, तो बराबर नहीं है। और यहां बराबर लगा के दिया, इसका मतलब ये भी असत्य हो जाएगा। ये कह रहा है कि ये दोनों माइनस तीन बटे चार माइनस माइनस सात बटे चार बड़ा है किससे, एक बटे चार से, तो इसको हल करके तब देखेंगे कि दोनों में बड़ा है कि नहीं है। तो यहां हम देख लेते हैं तीसरे को, ये माइनस तीन बटे चार हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा, यहां माइनस माइनस प्लस सात बटे चार हो जाएगा, और ऐसे करके दिया है। तो देखते हैं ये इससे बड़ा आ रहा है कि नहीं, तो हल करेंगे जब, चार चार का लसा लेंगे तो चार, यहां माइनस तीन होगा और प्लस यहां सात होगा, सात में तीन जब जाएगा तो चार बटे चार, तो चार से चार में भाग करेंगे तो एक बड़ा होगा एक बटे चार से, तो ये सही दिया है, क्योंकि एक बड़ा है एक बटे चार से, ये एक बटे चार है, एक का चार भाग और ये एक ही है, तो ये छोटा होगा ये बड़ा है, तो ऐसे चिन्ह भी दिया, तो इसको लिख देंगे तीसरे वाले को सत्य। तो इसका हम लिखेंगे, ये हो जाएगा सत्य। इसको देखते हैं, कह रहा माइनस पांच से ये संख्या बड़ी है, तो देख लेते हैं माइनस पांच है, ऐसे ब्रैकेट में दिया है, तो यहां हम हल कर लेते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, यहां माइनस ही रहेगा और यहां भी माइनस ही रहेगा, तो दोनों का लॉसा लेते हैं, सात और सात का सात ही होगा, यहां माइनस बारह और यहां माइनस आठ। ये बार बार आप लोगों को हल करना बताया, तो थोड़ा फास्ट यहां कर रहे हैं, तो माइनस पांच ऐसे दिया है, बारह और आठ दोनों माइनस में है, तो माइनस लगा के जोड़ देंगे, तो माइनस बीस बटे सात हो जाएगा। तो देखते हैं अब हम छोटा बड़ा देखने के लिए करते हैं कि यहां दोनों का हर बराबर करते हैं, हर बराबर रहता है संख्या का, तभी हम ऊपर वाला देख के बताते हैं कौन छोटा है कि कौन बड़ा है। इसके नीचे सात है, इसके नीचे सात नहीं है, तो सात इसके नीचे करने के लिए हम सात से भाग और सात से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या माइनस पैंतीस बटे सात और यहां माइनस बीस बटे सात। अब नीचे का बराबर है तो ऊपर वाला देखते हैं कौन छोटा कौन बड़ा है, तो हम जानते हैं माइनस में उल्टा होता है, माइनस में जो संख्या कम होता है वही बड़ा होता है, तो माइनस बीस माइनस पैंतीस में माइनस बीस बड़ा होता है, बड़ा का चिन्ह लगा है, तो यानी कि यह भी क्या हो गया सत्य है, तो इसको भी हम सत्य लिखेंगे। तो ये भी हो जाएगा सत्य, तो ऐसे सॉल्व करते हैं।